हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल एक्स मार्टी नसीम में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिर्फ सिम चालू रखने के लिए सबसे छोटा वैलिडिटी प्लान कौन सी कंपनी में आता है और सबसे सस्ता सबसे लंबा वैलिडिटी प्लान आपको कौन सी कंपनी में देखने को मिलेगा जिससे आप सिर्फ अपना सिम चालू रख पाएँ। तो अगर आप भी डबल सिम यूज़ करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखने लायक है, पूरी देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। दीजिए वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी 100 रुपये का कैशबैक कमाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप का लिंक मिलेगा जिसका नाम है ग्रो ऐप। जैसे ही इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपके अकाउंट में 100 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे और 24 घंटे के बाद आप उस बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं BSNL से, क्योंकि BSNL के अंदर हमें सबसे छोटा और सबसे सस्ता वैलिडिटी प्लान देखने को मिलता है। वैसे तो इसके अंदर बहुत छोटे वैलिडिटी प्लान भी आते हैं जिसमें 18 रुपये का शामिल है, जिसकी वैलिडिटी 2 दिन की होती है। इसी के साथ साथ एक 5 दिन का प्लान आता है जिसकी 29 रुपये की कीमत का, जिसमें आपको 5 दिन की वैलिडिटी मिलती है। लेकिन मैं ये दोनों प्लान आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये कुछ ही सर्कल कुछ ही स्टेट में काम करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 49 वाला वैलिडिटी प्लान चूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये हर सर्कल में काम करता है, हर स्टेट में काम करता है, जिसमें आपको 24 दिन की वैलिडिटी मिलती है। प्लस इसमें आपको 100 मिनट भी दिए जाते हैं जिसे आप कॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें आपको 10 रुपये का टॉक टाइम अगर आप अलग से डलवा कर पोर्टिंग कोड जनरेट करना चाहें तो इससे आप पोर्टिंग कोड भी जनरेट कर सकते हैं, जबकि 18-29 रुपये में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो अगर आप छोटा प्लान से रिचार्ज कराना चाहते हैं तो पहले आप अपनी ऑफिशियल BSNL की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा या उनके कस्टमर केयर से कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरी स्टेट में वर्क करते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप 49 वाला मैं आपको यहाँ पर प्लान सजेस्ट करूँगा। इसके बाद बात आती है एयरटेल की, तो एयरटेल के अंदर भी सबसे छोटा वैलिडिटी प्लान आपको 19 रुपये का देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको वो प्लान सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो भी बहुत सारी स्टेट में काम नहीं करता। तो इसके लिए 49 रुपये का रिचार्ज आता था तो वो भी हाल ही में एयरटेल ने बंद कर दिया है। अब अगर आपको वैलिडिटी एयरटेल के अंदर बढ़ानी है तो आपको 79 का रिचार्ज कराना होगा। 79 रिचार्ज के अंदर आपको 1 महीने के लिए वैलिडिटी बढ़ा दी जाती है, जिसमें आप 64 रुपये का फ़ायदा भी ले सकते हैं। इसी के बाद आती है बात VI की, तो VI के अंदर अभी 49 का रिचार्ज वर्क कर रहा है, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टेटों में ही वर्क कर रहा है। तो आप 49 में आपको 14 दिन की वैलिडिटी दी जा रही है, लेकिन 49 का रिचार्ज करने से पहले आप VI की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर लीजिएगा कि 49 का रिचार्ज अभी मौजूद है या ख़त्म हो गया है। अगर ये आपके स्टेट में ख़त्म हो गया है तो आपको एयरटेल की तरह VI के अंदर भी 79 रुपीज़ का रिचार्ज करना होगा, जिसके बाद आपकी वैलिडिटी 28 दिन के लिए और आपको 64 रुपये का टॉक टाइम दिया जाएगा बात करने के लिए। अब बात आती है जियो की, तो जियो के अंदर सभी को मालूम है कि वैलिडिटी का कोई भी प्लान नहीं होता। जियो ने अपनी वैलिडिटी सभी यूज़रों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखी है। अगर आपके पास कोई अनलिमिटेड प्लान है तो आप उसमें कॉल कर सकते हैं, और अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप आउटगोइंग कॉल नहीं कर सकते, इनकमिंग आपकी लाइफ टाइम चालू रहेगी। तो जियो का ये बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके पास जियो फ़ोन है तब भी आपको वैलिडिटी प्लान की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके पास जियो का एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको जब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जियो के अंदर वैलिडिटी प्लान के हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको सभी कंपनियों के प्लान के बारे में बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ साथ आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करके रखिएगा, जहाँ पर मैं आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ और नए ऑफर लेकर आता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा।